प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत अभियान। इस योजना को सफल बनाने के लिए दिल्ली से लेकर शहर स्तर के सभी कार्यालय अपनी अपनी तरह से जुटे हुए हैं और इसी योजना के तहत शहर भर की अलग अलग स्कूलों में स्वच्छ सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी स्वच्छ सप्ताह के अंतर्गत आज से बडनेरा जूनी बस्ती अलमास कॉलोनी स्थित हलीमा उर्दू प्राइमरी शाला में भी स्वच्छ सप्ताह का आयोजन किया गया। एएमसी की तरफ से स्कूलों को नोटिस जाता है और स्कूल इस नोटिस को मानने के लिए इतने तत्पर रहते हैं कि बच्चों से लेकर टीचर्स तक सभी हाथ में झाड़ू और खराटे लेकर स्कूल परिसर में उतर आए और सभी अपने अपने तौर पर स्वच्छता दिखाने की कोशिश करने लगे। आप देख सकते हैं किस तरह से छोटे बच्चे स्कूल के टीचर्स के साथ अपने स्कूल परिसर को स्वच्छ बनाने में जुटे हुए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जबकि हलीमा बाई स्कूल में इस तरह की गतिविधियां की जा रही हैं। ये गतिविधियां अच्छी भी हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हलीमा उर्दू प्राइमरी शाला में पहली बार इस तरह के किसी कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। हलीमा उर्दू प्राइमरी शाला अपनी स्वच्छता को लेकर वैसे ही बडनेरा के परिसर में जानी जाती है, लेकिन एएमसी का नोटिस मिलने के बाद जिस तरह से स्कूल टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मिल करके स्वच्छ स्कूल बनाने का प्रयत्न किया वो वाकई काबिले तारीफ है। और आप देख सकते हैं कि स्कूल में बच्चे बच्चियां और स्कूल टीचर्स भी हाथ में झाड़ू और खराटा लेकर स्कूल परिसर और स्कूल के बाहर की जगह को स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं। हलीमा उर्दू स्कूल में स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। 2 अक्टूबर तक ये सप्ताह मनाया जाएगा जिसमें बच्चों से हम साफ़ सफाई के ताल्लुक से उनको सारी चीज़ें बता रहे हैं कि किस तरह से हम साफ सफाई रख के हमारे जिस्म की साफ सफाई रख के स्कूल परिसर और आसपास की साफ सफाई रख के अपनी सेहत का हम ध्यान रख सकते हैं। इस विषय में हम आज साफ सफाई मुहिम चलाए हमने।